नमस्कार हमारे सभी भाई बंधुओं को, आग के बीच फिर से सांपों को छोड़ते हुए ये देखिए पहला सांप मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये देखिए ये कॉमन कुकरी स्नेक था, ये पॉइजन तो नहीं होता इसमें। ये देखिए करीब से देखिए आप ये कैसा सांप है, इसको ध्यान देखिए कॉमन कुकरी स्नेक और इसमें पॉइजन तो नहीं होता है, लेकिन जिस वक्त ये छुपकली खाता रहेगा उस बीच किसी को काट दे तो दिक्कत हो सकती है। अब मैं चला इसको आजाद करने, ये देखिए ये अपना रास्ता निकल जाएगा। अब ये है क्रोध में है और ये देखिए ये भी वाटर स्नेक है, ये भी वाटर स्नेक है। जो सूखे स्थानों पे वाटर स्नेक रहते हैं उनसे थोड़ा बैक्टीरिया की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये इनके जो शरीर है गंधाता है। ये देखिए सपना भी किसी भी छोड़ा हूँ, इनकी चलाई बहुत खतरनाक है, काटने में बहुत तेज, सबसे तेज सांपों में काटने वाला यही सांप है। जंपिंग बहुत तेज करता है, इसकी चलाई भी बहुत खतरनाक है और जंपिंग बहुत तेजी से करता है। ये पानी में बहुत कम रहता है, इसको हरगसिया भी बोलते हैं, वाटर स्नेक भी बोलते हैं। इनकी 5-6-7 प्रजातियाँ होती हैं, सबका कलर अलग अलग दिखाएगा और एकदम पानी वाले से सेम तो मैचिंग खाता हुआ सांप है, देखिए इसको ध्यान से। और ये सबसे तेज काटने वाला सांप है, ये बहुत फुर्तीला सांप होता है। और इसको देखिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ कैसे जाएगा, ये देखिए इसको नाग का दोगला भी बोलते हैं। एकदम फन वाले की तरह करता है, नाग का दोगला भी बोलते हैं। और ये देखिए आपके बीच ये कोबरा नाग का बच्चा है, ये बहुत क्रोधित सांप है। इसको मैं नीचे रख रहा हूँ डब्बे में, अभी इसको निकाल रहा हूँ। इसको देखिए कि कोबरा नाग का बच्चा है, ये बहुत तेज तरार है और इसको इतना अंदाजा नहीं कि हमें कितना जहर छोड़ना चाहिए कितना नहीं। जब ये किसी को एक बार धरेगा तो अपने शरीर का सारा ब्लड इसको छोड़ देगा, बचने का फिर कोई चांस नहीं रह जाएगा। अगर ये तत्काल काटे तो तत्काल उपाय भी रहता है और ज़्यादा लेट हो गया तो बचना मुश्किल। ये 10-15 मिनट के अंदर ये अपना पूरा असर दिखला देता है, दुनिया का इसको बिंधर सांप माना जाता है। ये बहुत जिद्दी सांप है, बहुत गुस्से में है। और कृपया ऐसे सांपों से तो हमेशा आप लोग सावधान रहिए।
आप अगर बाई चांस कभी किसी को काटता है तो सीधे डॉक्टरी इलाज कीजिए, झाड़ फूक के चक्कर में एकदम ही ना पड़े, क्योंकि वो सारा समय आपका नष्ट कर देते हैं, इंसान की समय भी मृत्यु हो जाती है। कैसे बोल में हो गए, बहुत गुस्से में है ये, जब तक नहीं काटेगा इंसान को, जब तक कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, जब तक इसके ऊपर कोई हाथ पैर ना पड़े, जब ये दबता है तभी काटता है। ये बेचारा इसको डरा भी हुआ है, थोड़ा इनके साथ मजाक भी करने में अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए इस वक्त ये खिसिया गया है, अब आप अपने रास्ते जा सकते हैं, ठीक है जा। अब मैं इसको बढ़िया स्थान पे छोड़ दूं। जब ये काटेगा तो हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं देता है, अगर आप बांध के जाएंगे तो गलीमत रहती है, वरना हॉस्पिटल जाते जाते आदमी की कहानी समाप्त करती है। इसको मैं इस स्थान पर छोड़ देता हूँ। भाई लोग, कुछ लोगों की ओबरा के अंदर मानसिकता भी इतनी खराब हो चुकी है, कहते हैं कि सांप यहाँ से पकड़ता होगा वहाँ छोड़ता होगा, ये सब उनकी गंदी सोच है। मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता, मैं अपने फायदे के लिए कभी किसी की जान नहीं लेता। जब मुझे ये काट देते हैं तो मैं इनको बख्श देता हूँ, वो तो बेचारे इंसान हैं, ये बहुत ही गिरे हुए लोग कर सकते हैं, जो नौसिखिया हैं, इधर से पकड़े उधर छोड़ दें, ये सब बहुत गंदा काम। और जो लोगों की मानसिकता है गंदी, वो अपनी गंदी सोच निकालते हैं, वो भी किसी के घर का बच्चा होगा, इंसान होगा हमारे तरह, किसी के घर का सदस्य होगा, कुछ काट लिया कुछ हो जाए तो। ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और जो करते भी होंगे बाई चांस भूले भटके तो कभी भूल के भी ना करें। सभी भाई बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि हमारा भी कुछ सिस्टम आगे बढ़े और आपके लिए भी कुछ अच्छा वर्क हो, क्योंकि आज कोई जमाना बीत गया मुझे ये सब वर्क करते करते, आप लोग कुछ जाने होंगे, ये कम से कम मैं बचपन से मुझे इस सब चीज़ों का शौक था, आज कम से कम 24-25 साल से ज़्यादा ही हो रहा होगा मुझे ये सब करते पकड़ते। तो कृपया भाई बंधु, जितने भी हमारे चाहते भाई बंधु हैं, सब्सक्राइब और लाइक करने में अगर किसी का कुछ जाता नहीं है तो कर दीजिएगा, आपकी इच्छा, आपको तकलीफ लगे कि मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो मत कीजिएगा, या जितने हमारे चाहता भाई हैं वो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।